महाकुंभ 2025 को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए सभी अखाड़ों के संतों से समन्वय स्थापित करते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत एवं अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर की अध्यक्षता तथा मेलाधिकारी कुंभ मेला विजय किरण आनंद की उपस्थिति में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की प्रथम बैठक शनिवार को हुई। इस दौरान महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्वों की तिथियों का निर्धारण सर्वसम्मति से हुआ। इसके साथ ही क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया गया। आयुक्त कार्यालय स्थित गांधी सभागार में निर्णय हुआ कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। मेलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्रयागराज की भव्यता को बढ़ाने हेतु 7 विभिन्न रिवर फ्रंट टाइप सड़कों, जिसकी कुल लंबाई 13.25 किलोमीटर होगी, का विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से वित्त पोषित तथा सभी सार्वजनिक सुविधाओं से युक्त 7 घाटों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान तथा नौक संचालन में सहायता मिलेगी। पर्यटन को और बढ़ावा देने के दृष्टिगत अक्षयवट, पातलपुरी एवं सरस्वती कूप के कॉरिडोर का विकास, लैंडस्केपिंग, साइनेज तथा प्रवेश द्वार का विकास कराया जा रहा है। कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों का भी विकास कराया जा रहा है, जिसमें नागवासुकी मंदिर, अलोकशंकरी देवी मंदिर, मंकामेश्वर मंदिर, पंडला महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर तथा तक्षक तीर्थ भी सम्मिलित हैं। भारद्वाज आश्रम तथा द्वादश माधव मंदिरों के कॉरिडोर का विकास, सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वार, साइनेज इत्यादि भी कराया जा रहा है। अभी जैसे सभी कुंभों की परंपरा रहती है, तो आज एक प्रारंभिक बैठक सभी पूजनीय अखाड़ों के सानिध्य में आज संपन्न हुई। सभी कार्यदायी संस्थाओं की कार्ययोजना उनके समक्ष प्रस्तुत की गई और उनसे अमूल्य सुझाव लिए गए, उनके मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और उसको अंगीकार करते हुए आगे के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी परियोजनाओं को जैसे शासन का निर्देश है कि समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना है, ताकि करोड़ों श्रद्धालु जो आते हैं उनको एक उत्तम व्यवस्था मिले, प्रशासनिक व्यवस्था और उनके सुविधाओं में कोई कमी ना रह जाए, ये किया गया। बृहद कार्ययोजना जो बनी है उसको और बेहतर बनाते हुए पर्यटकों के लिए, हमारे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, अखाड़ों के लिए जो सुविधाएं देनी है उसके लिए शासन की योजना को और बेहतर बनाने के लिए आज चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, अच्छे माहौल में चर्चा हुई और ये इसको सूचीबद्ध करके आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। तिथियों का भी ऐलान किया गया। हाँ, आज जो शाही स्नान की तिथियाँ थी, जो पंचांग के अनुसार थी, उसके लिए अखाड़ों से सरसमय से अनुमोदन प्राप्त किया गया और इसको आपको अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात करें तो अब तक कुल कितने करोड़ के बजट से कितनी कार्ययोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है और क्या टारगेट रखा है? अभी शासन से हमें करीब 2500 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्ति है, जिसका क्रियान्वयन अभी प्रारंभ किया गया है या कार्रवाई प्रारंभ करने की ओर अग्रसर है। और इसके अलावा जो भी अभी आगे योजना शासन द्वारा निर्देश दिया जाते हैं, जो उसमें आवश्यकता है, वो जो वित्त पोषण किया गया बजट में, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि आरंभ करें और समय से उस कार्य योजना को पूर्ण करें। सर, दिव्य और भव्य कुंभ 19 में हुआ था, इस बार का जो थीम क्या है? नहीं, अभी उसकी थीम और लोगो और अन्य चीज़ों के लिए शासन में मंचन चल रहा है, उसको स्वीकृति प्राप्त होते ही आपको अवगत कराया जाए। मेलाधिकारी ने अवगत कराया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज रिंग रोड, प्रयागराज रायबरेली लखनऊ मार्ग का विकास, प्रयागराज अयोध्या तथा प्रयागराज बांदा राजमार्ग पर पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग जसरा में बाईपास का भी निर्माण कराया जा रहा है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट को मेला क्षेत्र से जोड़ने हेतु सूबेदारगंज में आरओबी का निर्माण तथा एयरपोर्ट के लिए एक नए मार्ग का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुंभ 2019 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 64 चौराहों का विकास कराया गया था, जिसके क्रम में महाकुंभ 2025 में वर्तमान में 39 चौराहों के विकास हेतु कंसल्टेंट से डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है। प्राधिकरण द्वारा 29 सड़कों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोनिवी द्वारा 31 सड़कों सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण तथा 21 सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया जा रहा है। आगामी महाकुंभ 2024-25 के संबंध में सभी जितने उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे अखाड़े हैं, जो हमें सम्मानित गुरुवर हैं, साथ में प्रशासनिक अधिकारी जितने हमारे और साथ में जितने अन्य विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग हैं, फौज के लोग हैं, सभी का एक समन्वय बैठक पहले हुआ, जिसमें आगे आने वाली जितनी कार्ययोजना है इसके बारे में मेलाधिकारी साहब ने विस्तृत रूप से बताया और साथ में जो चुनौतियों के बारे में सबको सजग किया और साथ में सभी के सहयोग के लिए जो है उसके लिए सभी से अपेक्षा की और साथ में निवेदन किया गया।
इस संबंध में जितने हमारे पुलिस आयुक्त साहब, मंडलायुक्त साहब, हमारे आईजी साहब विजय किरण आनंद साहब, डीएम साहब और सभी अन्य विभाग के लोग जो है, वो सभी लोग अपने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किए और साथ में उनको सुझावों को बहुत गहनता से और ध्यानपूर्वक नोट किया गया ताकि उस पर क्रियान्वयन करके जो अगली बैठक होगी उसमें फिर उन क्रियान्वयन में जो चुनौतियाँ आती हैं और जो क्रियान्वित हो जाती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। क्या संतों की ओर से कोई सुझाव भी आए हैं नए? संत इसके साथ वर्षों से जुड़े हुए, उनकी तजुर्बा और उनकी उनके जो सुझाव हैं वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। उन्होंने बहुत वर्षों तक ये कराया है और बहुत से अच्छे सुझाव दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं जिसको नोट किया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले कुंभ के मुकाबले आगामी कुंभ में कुछ नया करने की योजना है, कोई ऐसा प्रस्ताव आया हो जो पिछले बार ना हुआ और नई शुरुआत की जाए? कई सारी बहुत नई शुरुआतें तो नहीं हैं, लेकिन पिछले चुनाव कुंभ में जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी उसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की है और ये अपेक्षा किया है कि उस तरह से उससे और अच्छा व्यवस्था हम लोग आगामी कुंभ में भी करें। बैठक में उपस्थित संतों ने कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। इनमें जूना अखाड़ा के संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी ने प्रयागराज को रामगमन मार्ग का सूचक के रूप में परिलक्षित करने पर जोर देने, महर्षि भारद्वाज द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करने, आदि शंकराचार्य का स्थायी द्वार बनाने, वेणी माधव की परिक्रमा हेतु उचित मार्ग की व्यवस्था एवं मोहल्लों का नाम जगत गुरुओं के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव दिया। महानिर्वाणी अखाड़ा के यमुनापुरी महाराज ने पेशवाई मार्गों से लटकते विद्युत तारों को शत प्रतिशत हटाने का सुझाव दिया। इसी क्रम में सभी संत महात्माओं ने तीर्थ यात्रियों एवं संत महात्माओं हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। हाँ, तिथि के भी ऐलान हुआ, ऐलान विचार रखा गया कि ये तारीख होगा, अभी ऐलान नहीं भया है, अब अगला मीटिंग में ऐलान होगा। अच्छा। लेकिन तिथि के समय रख बताया गया कि ब्राह्मण तरफ से ये सब है, जब लिखा पढ़ी में आ गया है, वो टीवी पर भी दिखाया। क्या क्या सुझाव दिया आप लोगों? हम लोगों ने दिया है कि हर जो मंदिर जो है, जो जो पुराना टूटा फूटा जो स्थान है, प्रधान है, उसको फिर से मरम्मत किया जाए, जो अगला बार कुंभ में जो छूट गया था उसको भी बनाया जाए और भव्य से भव्य कुंभ हो, इसका व्यवस्था ठीक से बढ़िया से हो। और तो इसके लिए आज मीटिंग रहा, सभी शांतिपूर्ण मीटिंग भैया, सब मान धर्मदास निर्वाणी अनि अखाड़ा अयोध्या हनुमान। जो पूर्ण कुंभ आने वाला है, क्योंकि पिछला अर्ध कुंभ था वो भी बड़ा भव्य रहा और अब की बार जो महा पूर्ण कुंभ आ रहा है इसके उपलक्ष्य में ये प्रथम बैठक आज हुई है। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तीर्थ स्थानों को और जितने धर्मस्थल हैं उनको, घाटों को और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या विशिष्ट व्यवस्थाएं करने वाली हैं, इन सब की जानकारियां शेयर की गई हैं और हम लोगों की तरफ से भी पूर्ण में पूर्ण सभी अखाड़ों की तरफ से इस आने वाले कुंभ में पूर्ण सहयोग हम लोग सरकार के साथ मिल करके और यहाँ के अधिकारियों के साथ मिल करके हर तरीके से सहयोग करेंगे और जो भी हमारे सुझाव थे साफ़ सफाई से संबंधित या जैसे ये तो जहाँ जहाँ पेशवाई होती है, जो पेशवाई मार्ग हैं उनमें बिजली के तार आदि वो सब भूमिगत हो जाएं, जैसे काशी में व्यवस्था हुई है, तो प्रयागराज भी हमारा भव्य और दिव्य बने। स्मार्ट सिटी तो है ही है और इस कुंभ के ही इस बजट में और बेहतर कार्य होंगे। यहाँ पिछली बार अखाड़ों के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई, इस विषय में अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, अभी तो कुंभ के मेले में जो होने वाले कार्य हैं उनकी जानकारी दी गई है। तिथियों का ऐलान भी किया गया? हाँ, तिथियों का ऐलान किया गया, उसकी लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद फिर उसको पहला स्नान कब पड़ेगा? पहला स्नान अभी वो लिस्ट आ जाएगी, अभी बताया गया। हाँ, औपचारिक वो हुआ। हाँ, बहुत सी परियोजनाएं जहाँ सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, हर मामले में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं जहाँ भी हैं, चाहे लाइट के व्यवस्था है, चाहे बिजली की है, चाहे साफ सफाई की है, हर व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है। ठीक है, मंडलायुक्त ने जहाँ सभी महात्माओं से महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने का आशीर्वाद एवं सहयोग मांगा, वहीं अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी संतों से निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग करने की अपील की। जिलाधिकारी संजय खत्री ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर उन्हें सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बैठक में पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमित शर्मा,
पुलिस महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश, अपर पुलिस आयुक्त पवन कुमार, उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण अरविंद चौहान समेत सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।